जो तेलंगाना में जितने मुस्लिम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के हेड हैं उस पर मुश्तमिल एक डेलीगेशन मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी साहब जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं उनकी लीडरशिप में उनकी क़यादत में तेलंगाना के मुख्यमंत्री वज़ीर आला से हमारी मुलाकात हुई जिसमें हम तमाम ने जनाब के चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का मुतालबा किया इस बात की गुजारिश की कि बीजेपी हुकूमत की तरफ से नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से जो यूसीसी लाने की बात की जा रही है हमने तेलंगाना के मुख्यमंत्री और वज़ीर आला से ये कहा कि आप उसकी उसका पोस्ट करिए उसकी मुखालिफत करिए। हमने चीफ मिनिस्टर को इस बात का याद दिलाया कि पिछले 10 साल से तेलंगाना स्टेट में उनकी सरकार है स्टेट में पीस बहुत स्ट्रांग हुआ है अमन मजबूत हुआ है। हमने चीफ मिनिस्टर को और बीआरएस के प्रेसिडेंट को ये भी बात याद दिलाई है कि पूरे मुल्क में अगर किसी असेंबली में CAA NPR NRC के ख़िलाफ़ एक रेजोल्यूशन पास हुआ था वो तेलंगाना के असेंबली में सबसे पहले हुआ था और हमने चीफ मिनिस्टर को अपने रिप्रेजेंटेशन में ये बात दिलाई कि जब CAA का रेजोल्यूशन तेलंगाना में असेंबली में पास हो रहा था तो उस वक्त BRS की हुकूमत ने सरकार ने उस रेजोल्यूशन में प्लूरलिज्म और सेकुलरिज्म की बात की तो हमने चीफ मिनिस्टर को ये बावर किया ये इम्प्रेस किया कि UCC हमारे देश के प्लूरलिज्म के लिए एक अच्छी बात नहीं है सेकुलरिज्म के लिए अच्छी बात नहीं है। हमने चीफ मिनिस्टर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो लॉ कमीशन को जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक नोट दिया है जो 74 पेजेस पर मुश्तमिल है उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे प्रेसिडेंट मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी साहब उनको बताए हैं कि कैसे BJP UCC के नाम पर इस मुल्क के प्लूरलिज्म और सेकुलरिज्म को कमज़ोर करना चाहती है। हमने BRS के प्रेसिडेंट वो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को भी बताया कि सिर्फ ये मुस्लिम माइनॉरिटी का मसला नहीं ये क्रिश्चियंस का भी मसला है ये मसला ट्राइबल से भी जुड़ा हुआ है और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल नहीं है तेलंगाना में ट्राइबल है मध्य प्रदेश में ट्राइबल है छत्तीसगढ़ में ट्राइबल है गुजरात में ट्राइबल है राजस्थान में ट्राइबल है उनका एक कल्चर है और उसका तहफ़ करना और ये सिर्फ ट्राइबल नहीं बल्कि हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी ये चीज़ अच्छी नहीं होगी क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के तहत 3,000 करोड़ का टैक्स रिबेट हमारे हिंदू भाइयों को मिलता है 2015 के इनकम टैक्स के फिगर्स हैं और अगर UCC आएगा तो हिंदू सक्सेशन एक्ट हिंदू मैरिज एक्ट ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो ये एक मुल्क के लिए ठीक नहीं है। हमारे मुल्क का प्लूरलिज्म हमारे मुल्क की खूबसूरती है और भारत के प्रधानमंत्री को प्लूरलिज्म से एलर्जी है वो प्लूरलिज्म को पसंद नहीं करते। हमने चीफ मिनिस्टर को के चंद्रशेखर राव को बताया कि भारत के प्रधानमंत्री बोलते कि एक घर में दो कानून कैसे होगा तो आज आप देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने गलत कहा मिसगाइड किया पूरे नेशन को। हमारे मुल्क में CRPC हर स्टेट में अलग है हमारे मुल्क में दो कानून है अगर आप देखेंगे तो नागालैंड में CRPC का अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। हमारे देश में अगर आप कोई बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज है उनका आर्बिट्रेशन की हमने सहूलत दी कि सिंगापुर जाकर आर्बिट्रेशन करा सकते तो ये बात कहना प्रधानमंत्री का बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री प्लूरलिज्म को पसंद नहीं करते तो ट्राइबल का मसला है सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल का नहीं है। अमित शाह अगर ये नागास को बोल रहे हैं कि नहीं हम ट्राइबल्स को लॉ कमीशन एग्जेप्ट करेगा तो फिर छत्तीसगढ़ के ट्राइबल का क्या होगा तेलंगाना के ट्राइबल का क्या होगा झारखंड के वो टेनेंसी लॉस का क्या होगा छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स का क्या होगा। तो ये भारत की खूबसूरती उसका प्लूरलिज्म है उसकी डाइवर्सिटी है जो RSS और BJP को पसंद नहीं आती है तो इसलिए हम CM से बात किए और चीफ मिनिस्टर ने साफ और वाज़े अल्फाज में
इन क्लियर कट टर्म्स चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बीआरएस पार्टी यूसीसी का पोस्ट करेगी, बल्कि चीफ मिनिस्टर आगे बढ़ के ये बात कहे हैं कि वो लाइक माइंडेड पार्टी से भी बात करेंगे। हमसे भी कहा कि वो भी हम भी जाकर लाइक माइंडेड पार्टी से बात करें। मैं तेलंगाना के और डेलीगेशन के बिहाफ पे तेलंगाना के सीएम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इन नो क्लियर कट, बल्कि क्लियर कट उन्होंने कहा कि हम यूसीसी का पोस्ट करेंगे। और देश में बहुत ज़्यादा दूसरे मसाइल हैं और उन मसाइल पर बीजेपी नाकाम साबित हो रही है, इसीलिए बीजेपी ये सब चीज़ें देश के सामने ला रही है। तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी पार्टी की तरफ से भी एक प्रॉपर मेरे ख्याल से आप लोगों को स्टेटमेंट भी आएगा। और मैं आपके ज़रिए से हमारे आंध्र प्रदेश के हमारे दोस्त जो चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी है, उनसे भी मैं अपील करूँगा कि जगनमोहन रेड्डी के हम आंध्र की पॉलिटिक्स को समझते हैं, मगर हम उनसे अपील कर रहे हैं कि वो उनकी पार्टी यूसीसी का पोस्ट करे। जो पार्टी प्लूरलिज्म को मानती है, जो भारत के डाइवर्सिटी को मानती है, जो भारत के भारत एक मोजाइक है उसको मानती है, तो उनको यूसीसी को अपोज करना है। और अगर जगनमोहन रेड्डी टाइम देते हैं तो हम भी जाकर जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग में और भी दूसरे इश्यूज भी उठे, माइनॉरिटी वेलफेयर के ताल्लुक से, ओवरसी स्कॉलरशिप के ताल्लुक से, वक्फ प्रोटेक्शन के ताल्लुक से, ओल्ड सिटी में मेट्रो के ताल्लुक से, साथ ही साथ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में जो लोन्स हैं, इंडिविजुअल लोन्स जो देना बंद किए हैं, तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 4-5 दिन के अंदर वो एक 230 करोड़ रिलीज करेंगे, जिसमें ओवरसी स्कॉलरशिप जो रुकी हुई है और दूसरे जो स्कीम्स हैं, तो ये एक मोटी मोटी बातचीत हुई है। तो हम हाँ, ये सेक्रेटेरिएट के मसाजिद को जल्द से जल्द और जो दूसरे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पर प्लेसेस हैं उसको भी खोला जाएगा, और गच्ची बोली में जो इस्लामिक सेंटर है उसका भी काम शुरू होगा। ये बहुत से इश्यूज़ के ऊपर सीएम ने हमसे कम 1.5-2 घंटे बातचीत हुई है। हम शुक्रगुजार हैं। इस मीटिंग में केटी रामाराव साहब भी थे। चीफ मिनिस्टर ने हमसे कहा कि मैंने इस मीटिंग की इम्पॉर्टेंस को समझते हुए उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा के अपने फ्लोरिडर्स को भी बुला लिया और उनसे भी कहा कि वो यूसीसी के ताल्लुक से क्लियर कट स्टैंड बीआरएस पार्टी का है कि उसको अपोज करते हैं। ये आज की गुफ्तगू का एक मोटा मोटा है।